आज मैं सर्दियों के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान की घोषणा कर रहा हूँ। एक तो पराली, दिल्ली के अंदर हमने पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया बायो डिकम्पोजर घोल तैयार किया है उन्होंने, ये पिछले 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, इसमें काफी सफलता मिली है। धूल का प्रदूषण रोकने के लिए 6 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं। नंबर 3, वाहन प्रदूषण पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, उसकी जांच सख्त की गई है। और 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल, इनका पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए सख्ती की गई। 4th पॉइंट, खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है दिल्ली के अंदर। जितनी रजिस्टर्ड इकाइयां हैं दिल्ली के अंदर, सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपना जो फ्यूल था वो चेंज कर लिया। 6th पॉइंट है, पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। IIT कानपुर के साथ हमने स्टडी की है कि इस टाइम दिल्ली में कितना पोल्यूशन है और वो पोल्यूशन किस किस वजह से है, और इसके लिए एक सुपर साइट बनाई गई है, और इसके अलावा एक मोबाइल वैन है जिसके ऊपर काफी सारे इक्विपमेंट लगाए गए हैं। 8th पर्यावरण मित्र बनाए गए हैं, इसमें कोई भी पर्यावरण मित्र बन सकता है। इसका एक मोबाइल नंबर है जिसपे आप मिस कॉल कर सकते हैं अगर आप पर्यावरण मित्र बनना चाहें। ई वेस्ट, कूड़े की वजह से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हलम्बी कला में 20 एकड़ का ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। 10th पॉइंट है, ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए इस साल हमने टारगेट रखा था कि 42 लाख पेड़ लगाएंगे। पहले चरण में हम 33 लाख पेड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं, 9 लाख पेड़ बचे हैं जिसे 15 अक्टूबर से दूसरे चरण में लगाया जाएगा। 11th पॉइंट है कि एक 24/7 मॉनिटरिंग करने के लिए ग्रीन वॉर रूम और बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है, और ये 3 अक्टूबर से चालू होगा। 12th पॉइंट, ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था हमने 2 साल पहले, आप भी इसको जरूर डाउनलोड कीजिए, और कहीं कोई अगर आप कचरा जलते हुए देखते हैं, कोई पोल्यूशन होते हुए देखते हैं, आप इस ऐप के जरिए शिकायत कर सकते हैं, उस पर तुरंत एक्शन किया जाएगा। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है, वहाँ पे कड़ी नजर रखी जाएगी। 14th पॉइंट, संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप लागू किया जाएगा। भारत सरकार के साथ मिलके, CAQM के साथ मिलके, NCR के सभी राज्यों के साथ मिलके प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे।